हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 2 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों का अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामना पूरी करें, यही मेरी चाह है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। करते हैं पहला क्वेश्चन है आज का। अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी बोर्ड, जो कि डून एंड ब्रैड स्ट्रीट का है, इसको किसके द्वारा ज्वाइन किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरपर्सन रह चुके हैं और अभी 2020 में ही ये एसबीआई से रिटायर हुए थे। अभी हाल ही में इनको डून एंड ब्रैड स्ट्रीट नाम के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। ड्रून एंड ब्रैड स्ट्रीट जो है, ये बेसिकली एक डेटा एंड एनालिसिस कंपनी है। ये वर्ल्ड में, या फिर आप बोल सकते हो इंडिया में, इस तरीके से कार्य करते हैं कि ये दूसरी इंडस्ट्रीज को एनालिसिस करने का काम करते हैं, रेटिंग करने का कार्य करते हैं, साथ में बिजनेस को डिस्कस करने का भी ये काम करती है कंपनी। ये कंपनी 180 साल पुरानी है। रजनीश कुमार को इससे पहले एचएसबीसी बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो यह जुर्माना लगाया है एसबीआई के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्चुअली हुआ क्या कि आरबीआई ने अभी कुछ टाइम पहले जितने भी भारत में बैंक है, उन सभी के बैंकों के अकाउंट्स को रिव्यू किया, तो पता लगा कि टोटल जो फ्रॉड निकल के आया है वो 34,000 करोड़ का है। कितने का? 34,000 करोड़ का फ्रॉड निकल कर आया है। और इसमें से जो सबसे ज्यादा का फ्रॉड है वो पीएनबी में देखने को मिला है, करीब 4,800 करोड़ का फ्रॉड देखने को मिला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फ्रॉड के केसेस कहां पे दर्ज हुए हैं, तो ये बैंक ऑफ इंडिया में केसेस दर्ज हुए हैं। टोटल 13 केसेस दर्ज हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया में। अब एसबीआई के ऊपर पेनाल्टी इसलिए लगी क्योंकि आरबीआई के द्वारा एसबीआई को शो कॉज जारी किया गया और इनको बोला गया कि आप कारण बताइए, लेकिन इन्होंने डिले किया, इसलिए इनके ऊपर 1 करोड़ का भी हाल ही में जुर्माना लगाया गया है। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई और एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, डीके खारा। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के 25वें डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज इन्वेस्टेड 108.81 करोड़ इन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? अभी हाल ही में एनएआरसीएल के अंदर किस बैंक ने 108.81 करोड़ की धनराशि इन्वेस्ट करी है? तो ये बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, एनएआरसीएल है क्या? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म के रूप में कार्य करती है। मतलब कहने का कि भारत सरकार की अगर कोई भी संस्था डूब रही है, मान लीजिए, तो उसको बचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लोन देती है, या फिर आप बोल सकते हो पैसे का आवंटन करती है। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है, जब कोई भी बैंक या फिर ऑर्गेनाइजेशन डूब रही होती है तो ये रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अपना पैसा आवंटित करते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अभी यहां पर निवेश किया है। बैंक ऑफ इंडिया के पास पहले भी इनके शेयर थे, लेकिन अब टोटल जो शेयर हो गए हैं वो 9% शेयर हो गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के एनएआरसीएल पे। और बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एनएआरसीएल की जुलाई 2021 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यह कौन सा राज्य है जो कि 2021 से 22 के सत्र में हाईएस्ट प्रोड्यूसर बन गया है वेजिटेबल का? मतलब सब्जियों का उत्पादन कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा किया है पिछले 1 साल में? तो उत्तर प्रदेश ने इस बार टॉप किया है, यहां पर आप देख सकते हो। और पिछले 2 साल से ये करंट अफेयर में मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूं कि वेस्ट बंगाल नंबर वन पे रहता था पिछले 2 साल से, इस बार उत्तर प्रदेश नंबर वन पे हो गया है वेस्ट बंगाल को पछाड़ के। तो यूपी नंबर वन पे है सब्जियों के उत्पादन में, पश्चिम बंगाल नंबर दो पे आ गया है, 3 नंबर पे मध्य प्रदेश है, 4 पे बिहार और 5 पे महाराष्ट्र। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि फलों के उत्पादन में कौन सा नंबर वन पे रहा, तो इस बार आंध्र प्रदेश रहा फलों के उत्पादन पे नंबर वन पे, नंबर दो पे महाराष्ट्र, 3 पे उत्तर प्रदेश, 4 पे कर्नाटक और 5 पे गुजरात। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 अप्रैल को? इसको उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो उड़ीसा हर साल 1 अप्रैल को अपना उत्कल दिवस मनाता है।
या फिर इसी को फॉर्मेशन डे आप बोल सकते हो या स्थापना दिवस भी बोल सकते हो। अब उड़ीसा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1912 में बिहार और उड़ीसा के प्रोविंस के फॉर्मेशन की बात कही गई थी। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग प्रोविंस बन गया और बिहार से अलग हो गया। इसके बाद अगर दूसरी चीज बात करी जाए कि उड़ीसा को किस आधार पर अलग स्टेट डिक्लेयर किया गया था, तो इसको लिंग्विस्टिक आधार पर, मतलब भाषाई आधार पर स्टेट बनाया गया था। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखनी है, उड़ीसा जो है यहां की लैंग्वेज पहले संविधान में मेंशन थी उड़िया, इसको क्या बोला जाता था, उड़िया। लेकिन संविधान में 113वां संशोधन किया गया साल 2010 में, और उड़िया से इसको क्या अब लिख दिया गया है, उड़िया। तो एक्चुअली जो इस टाइम पे करेक्ट वर्ड है ये है उड़िया, आप इसे उड़िया मत बोलिए। यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो है उड़िया। और बाकी अगर प्राचीन काल में बात करें तो जहां पे आज की डेट में उड़ीसा है उसको हम लोग कलिंग के नाम से जानते थे। किस नाम से, कलिंग। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में बाइलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुणा, वरुणा का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है अरब सागर में? तो अरेबियन सी में इस बार 20वां संस्करण दोनों देशों के बीच में मैनी टाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज का कंडक्ट किया जा रहा है। एंड दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर इसकी शुरुआत 30 मार्च को करी गई है, और ये एक्सरसाइज कब तक चलेगी, ये कल तक चलेगी, मतलब 3 अप्रैल तक ये चलेगी। इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इसमें पेट्रोल एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, सबमरीन्स भी हैं, शिप्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, सब कुछ है। हर एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि नेवीज यूज करती हैं वो सब कुछ यहां पर यूज किया जा रहा है वरुणा में। वरुणा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि भारत और फ्रांस की मरीन एक्सरसाइजेस में सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आसाम के साथ कौन से राज्य ने 6 डिस्प्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर एक एग्रीमेंट पर साइन किए हुए हैं? मतलब आसाम के साथ ये कौन सा राज्य है जिसमें दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे, अब दोनों ने अपने डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, एमओयू पर साइन किए हैं। तो आसाम और मेघालय दोनों के बीच में 6 डिस्ट्रिक्ट को लेकर विवाद चल रहा था। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये जो पिंक वाला आपको रीजन दिख रहा है ये है आसाम, और ये जो यहां पर येलो वाला दिख रहा है ये है मेघालय। तो यहां पर बॉर्डर में स्थित ये 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं। अब ये डिस्प्यूटेड का इसका कारण क्या है आपको बताता हूं। 21 जनवरी 1972 में क्या हुआ कि जब मेघालय का फॉर्मेशन किया जा रहा था तो आसाम के दो ऐसे यहां पर डिस्ट्रिक्ट थे जिनके ऊपर 3 हिल्स बसाई गई थी, और ये तीनों हिल्स बसाई गई थी वहां की ट्राइब के आधार पर। कौन कौन सी, एक को बोलते हो आप खासी हिल, एक को आप बोलते हो गारो हिल्स, और तीसरे को आप बोलते हो जयंतिया हिल। अब यहां पर क्या हुआ कि आसाम का कहना है कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिली वाला हिस्सा है, ये पूरा इनका हिस्सा है। मेघालय का कहना है कि ये यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज के आधार पर हुआ है, और ये जो गारो खासी और जयंतिया है ये बेसिकली ट्राइब है मेघालय की। तो ये डिस्प्यूट चला आ रहा है 1972 से। अभी फाइनली दोनों सरकार, हिमांता विश्व शर्मा और कॉनरेड संगमा दोनों एक साथ आए, और अमित शाह की मौजूदगी में दोनों के बीच में एक पैक्ट पर साइन हुए हैं। तो दोनों आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे दोनों राज्य इन सारी चीजों को लेकर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं विश्वास पटेल, और इनको 2018 में पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया में चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था, इलेक्ट हुए थे। एक बार फिर से इनको री इलेक्ट किया गया है अभी। और अगर बात करी जाए पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है पूरे भारत में कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देना, मतलब डिजिटल पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में SDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने एक कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है वॉल्ट प्रोग्राम, VAULT, वॉल्ट प्रोग्राम। अब देखिए SDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने वॉल्ट प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया है कि ऐसे कस्टमर इनके जो कि इनके सभी मानकों पर खरे उतरेंगे उनको SDFC एर्गो की तरफ से रिवॉर्ड दिए जाएंगे हर साल। लेकिन एक साल में मैक्सिमम इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं 10,000 कस्टमर। ओके, तो पहला ऐसा प्रोग्राम है किसी इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी के द्वारा चलाया गया जिसमें ये अपने कस्टमर्स के लिए कुछ लेकर आए हैं। ऐसे कस्टमर्स जो कि लगातार इनसे इंगेज रहेंगे और इनके सभी मानकों का पालन करेंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा और रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में विनय समरस योजना की शुरुआत करी है?
तो विनय समरस योजना अभी हाल ही में बिसा और राजबोम्मई की सरकार के द्वारा कर्नाटक के अंदर स्टार्ट करी गई है। अब यहां पर समझ लीजिए, विनय समरस योजना है क्या? ये बेसिकली दलित्स के राइट के लिए ये योजना लॉन्च करी गई है। अभी पिछले साल ही सितंबर 2021 में कर्नाटक के अंदर एक इंसिडेंस हुआ था। एक 3 साल का दलित बच्चा था जिसका नाम था विनय। क्या नाम था? विनय। अब बारिश होती है और ये बच्चा जाके मंदिर की सीढ़ियों में बैठ जाता है बारिश से बचने के लिए। उसके बाद इसके गांव वाले जो हैं वो इनके घर वालों पे, मतलब विनय के घर वालों पे 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं कि वो मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठा, और इसके अलावा उनके घर वालों को गांव छोड़ के जाने के लिए भी प्रेशर बनाया जाने लगता है। तो इन सारी चीज़ों के चलते उसके बाद FIR लॉन्च होती है, कई लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद वो जेल से छूट जाते हैं। आज की डेट में वो सभी लोग जेल से छूट चुके हैं बेल पर, लेकिन लगातार जो विनय है, विनय के घर वालों पर जुर्माना जमा करने के लिए और गांव छोड़ने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कई सारे वहां पर कैंपेन भी चलाए जा चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अब स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए एक योजना लेकर आई है, विनय समरस योजना, क्योंकि इस बच्चे का नाम विनय है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है, कर्नाटक के अंदर ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का ये केस है? इसको बोलते हैं कोप्पल डिस्ट्रिक्ट। कोप्पल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। और ये जो विनय समरस योजना है इसको लॉन्च किया जा रहा है कौन से दिन? तो ध्यान रखिए, आने वाले 14 अप्रैल को इसको लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना अभी हाल ही में शुरू करी है? मतलब ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि जो प्रिशनर्स हैं, जो जेल में बंद हैं कैदी, उनको लोन देने की फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रही है? तो ये है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार। अब देखिए, ये फैसिलिटी इसलिए स्टार्ट करी गई है कि कई सारे ऐसे प्रिशनर्स होते हैं जिनके घर में खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो ऐसे जो प्रिशनर्स हैं वो लोन अब ले पाएंगे बैंकों से, और मैक्सिमम वो 50,000 रुपये तक का लोन इसमें ले सकते हैं, जिससे कि उनके घर वालों की टेक केयर हो सके उसमें। और ये जो इनको लोन दिया जाएगा ये 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। और बेसिकली अभी इसको इनिशियल स्टेट में यरवदा जेल के कैदियों के लिए लॉन्च किया गया है, और इसके जो बेनिफिशियरी होंगे ये 1,055 कैदी होंगे इनिशियल स्टेट में। इस लोन को खावती लोन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? खावती लोन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी रेजिमेंट की 2 बटालियन है जिसको अभी हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की तरफ से प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट की कौन सी बटालियन? 20 डोगरा और 21 डोगरा बटालियन, दोनों को सम्मानित किया गया है इनके उत्कृष्ट और शौर्यपूर्ण कार्य को देखते हुए। और प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड जो है ये राष्ट्रपति की तरफ से बेसिकली दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में आर्मी चीफ भी उनके बिहाफ पर ये दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MM नरावने, मनोज मुकुंद नरावने के द्वारा प्रेसिडेंस कलर दिया गया है डोगरा की 2 बटालियंस को। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा स्टार्टअप्स फाउंडर हब अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भारत में स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च करने वाली है। किस लिए? भारत के अंदर जो स्टार्टअप अपने सेटअप करने वाले हैं, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको फंडिंग करेगी माइक्रोसॉफ्ट। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट जो टोटल आवंटित कर रही है अमाउंट वो है $3 लाख। कितना? $3 लाख इनिशियल स्टेट में। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन, और इसके इस टाइम पे CEO है सत्य नडेला। सत्य नडेला। ट्विटर साल 2006, फेसबुक 2004 और गूगल 1998। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आसाम राइफल्स ने अपना 187वां स्थापना दिवस मनाया है कौन से दिन? तो आसाम राइफल हर साल 24 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको बता दूं, यह भारत की सबसे पुरानी पैरा मिलिट्री रेजिमेंट है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। तो इस बार 187वां रेजिंग डे मनाया गया। और आप सभी को पता ही लग गया होगा, कल मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था और यूट्यूब कम्युनिटी पर भी शेयर किया है, मैं आपके लिए 10 सेशन लेकर आ रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 सेशन में सब कुछ मैंने वो देने की कोशिश करी है जो आपको मदद करेगा इस बार के CGL के एग्जाम में। तो
तो ये आखिरी मोमेंट पे आखिरी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं ताबड़तोड़ तरीके से। इन 10 की 10 क्लासेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, हर एक लिंक पे जाके एनरोल का ऑप्शन होगा, उस पे जाके क्लिक कर दीजिए ताकि जब ये क्लास हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ से आप डेट देख सकते हो, हर डेट में कितने बजे कौन सी क्लास होगी। 3 तारीख को बस 2 क्लासेस हैं, एक सुबह 11 बजे और एक 5 बजे, मतलब कल के दिन। आज शाम को जैसे 5 बजे 10 डेज की स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करूंगा, बाकी सारी क्लासेज जो हैं वो 5 बजे ही होंगी। हर क्लास को ओपन करने के लिए अनलॉक कोड ध्यान रखिएगा, Varun777। जब आप ये कोड डालेंगे तभी ये क्लास खुलेगी। तो MCQ केवल यहाँ पे डिस्कस होंगे हर दिन, और 10 डेज स्ट्रैटेजी बस आज वाले इस स्ट्रैटेजी क्लास को छोड़ के, बाकी हर दिन यहाँ पर MCQ डिस्कस होंगे। बाकी आप देख रहे हो 8 अप्रैल और 10 अप्रैल के लिए मैंने करंट अफेयर भी लगाए हुए हैं, जिसमें पिछले 6 महीने के करंट अफेयर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जाके तुरंत एनरोल कर लीजिए, मौका मैं दे रहा हूं, चौका मारना आपका काम है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हम लोगों ने कौन से दिन मनाया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस दृश्यता। यह दिवस मनाया हम लोगों ने 31 मार्च को। यह डे इसलिए मनाया जाता है कि सोसाइटी में आज भी लोग ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनसे डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि आप उन्हें अलग मत समझिए, वो सोसाइटी का ही हिस्सा है। और इसके अलावा ये डे इसलिए भी मनाया जाता है कि आज तक ट्रांसजेंडर्स के द्वारा भी इस सोसाइटी को बहुत कुछ दिया गया है, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को थैंक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।